हाय गाइज, आई एम राकेश, यू वॉचिंग नर्सिंग ट्रेंड्स। गाइज, ASIC की न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट आपके लिए लेके आ गया हूँ, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसी कॉन्टेक्ट बेस पे होने वाली है। अभी मैंने ASIC की जो ऑफिशियल साइट है ओपन कर रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके सीधे इस पेज पर आप पहुंच जाओगे। उसके बाद में यहाँ पे जो तीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर देना है और रिक्रूटमेंट का टैब है उसको ओपन कर लेना है, क्योंकि अपने ASIC के रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई है उनको क्लिक कर देना, यहाँ पे 10 तक आई है। अपने जो अगले नोटिफिकेशन है उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको नंबर 16 में मिल जाएगा ASIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलबुर्गी। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कर लेना है डाउनलोड, कलबुर्गी यानी गुलमर्गा का, और इसमें सारी चीज़ें अपने देख लेते हैं। नोटिफिकेशन अपने सामने आ गया है गाइज, सारी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या पे रहेगा और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आ रहा जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ऑल का जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करें, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के अपकमिंग वीडियो को भी मिस नहीं करोगे। साथ साथ वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि फेसबुक पर भी आप कभी भी अपने को मिस नहीं करोगे। तो गाइज, नोटिफिकेशन कर लिया है डाउनलोड। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ASIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्गा, ये गुलबर्गा की वैकेंसी हो गई है। 13 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आया है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर एंड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे अपने वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर की बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे जो अपने नर्सिंग की जो पोस्ट है उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो ये आ गई है अपने नंबर 2 पे, और ये जो नंबर 2 पे वैकेंसी है ये नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। टोटल 7 पोस्ट होने वाली है। MSc नर्सिंग जिन लोगों ने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जिन लोगों ने की है उनको 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है। अनरिजर्व की 3, EWS की 1, OBC की 2 और SC की 1 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। मैक्सिमम 69 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। ASIC कॉलेज ऑफ गुलमर्गा, और जो गुलमर्गा है ये यहाँ पे आपके पड़ता है कर्नाटक स्टेट में, तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो कर्नाटक स्टेट में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपका सीधा रजिस्ट्रेशन होने वाला है, वेन्यू क्या होगा वो भी आगे बात कर लेंगे। 5 मार्च 2020 को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, MCQ बेस होने वाला है, जो कि 5 मार्च 2020 को ही सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक होगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी होगा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है, और वो होगा 6 मार्च 2020 को सुबह 10 बजे से। वेन्यू क्या रहेगा, ASIC मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग सेदाम रोड गुलबर्गा, यहाँ पे आपका वेन्यू रहने वाला है और आपको वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना है। पैसे कितने मिलेंगे, तो पैसे वाइस प्रिंसिपल को तो मिलेंगे 75,000 रुपये पर मंथ, और ट्यूटर जो है उनको मिलेंगे 45,000 रुपये पर मंथ। और यहाँ पे ये लिखा गया है DA और NPA HRA हैं, ये चीज़ें नहीं दी जाएगी, फिक्स 45,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली वैकेंसी है। और प्राइमरी तौर पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 1 साल का यहाँ पे रहने वाला है, उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे या रिक्वायरमेंट के आधार पर यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। ये हो गया। अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपको सीधा वहाँ पर विजिट करना है जो वेन्यू मैंने बताया है, ASIC मेडिकल कॉलेज गुलमर्गा में जाना है, नर्सिंग कॉलेज गुलमर्गा में, और वहाँ पर 5 मार्च को आपको पहुँच जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटोकॉपी, लेटेस्ट फोटोकॉपी, जो आपकी फोटोज है, आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें आपको लेके पहुंच जानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे यहाँ पे दिया गया है, उसको वहाँ पे भरना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, और आपको वहाँ पे टेस्ट देना है, फिर इंटरव्यू देना है अगर आप सेलेक्ट होते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पे पास आउट हो गए, जो भी कर सकते हैं। तो ये ASIC गुलमर्गा की वैकेंसी होगी है। इसके अलावा अभी जो पंजाब में भी नर्सिंग ट्यूटर की 10 पोस्ट गाइज निकली हुई है, उसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि पंजाब की जो नर्सिंग ट्यूटर की 10 पोस्ट है उनका वीडियो बनाऊंगा, तो नीचे कमेंट में जाकर कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उनका भी एक विशेष वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू फ्रेंड्स।